क्या मजा आ रहा है क्या? कोई आराम से बोलते ही नहीं चलती है। चलो मैं नहीं बोलता। गुड। नहीं। सो गाइस दिस इज आवर फोर्थ डे टुडे। आज वो प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट थर्ड डे सीखा था, मतलब क्लच को अगर रिलीज करें तो विद रेस पैडल। प्लस आज एक नई चीज ऐड होगी, रिवर्स करना सीखेंगे। ठीक है पल्लवी, थोड़ा बहुत रिवर्स मतलब और प्रॉपर रिवर्स की प्रैक्टिस जो है इससे शायद एक या दो दिन छोड़ के होगी। आज मेन प्रैक्टिस वही होगी प्लस रिवर्स, तो अभी सीखेंगे। अभी मैं दो बार पिक करवा के देख लेता हूँ विद एक्सेलरेटर। ठीक है स्टॉप। अभी तक ठीक था, जब कैमरा ऑन नहीं था ना तब तक तीन बार सही पिक करी है। चलो आप ही भूल जाओ कैमरा लगाए गाड़ी में। ठीक है मैंने ज्यादा कैमरा की वजह से आपको ही डर बैठेगी। हाँ कैमरा लोग देख, कोई नहीं देख रहा है। ठीक है कट कर देंगे। बढ़िया चलाओ। ये सबसे सही था, थोड़ा सा झटके से क्लच रिलीज करना होता है। जल्दी था मतलब क्विक था। अभी वहां लेके चलेंगे वापस थोड़ा घुमा के और फिर रिवर्स करना बताता हूँ। चलो अभी अगर रिवर्स गियर लगाते हैं तो सबसे पहले तो हमें पीछे का नहीं दिखाई दे रहा है। उसके लिए हमें तीन मिरर दिए गए गाड़ी में, एक राइट में हो गया राइट का देखने के लिए पीछे का, और एक बीच में सेंटर का, और ये लेफ्ट में इधर लेफ्ट के पीछे का। ठीक है अभी इन मिरर को यूज करना है, लेकिन हम सिर्फ इनको देख के सेम स्पीड में पीछे नहीं लेके जा सकते जिस स्पीड पे हम आगे चलाते हैं। तो करने का ये तरीका होता है कि धीरे धीरे पीछे लेकर जाते हैं मिरर में। एक बार तीनों में देखना होता है, आप किसी भी एक मिरर में लगातार नहीं देख सकते, क्योंकि जिस मोमेंट पे आप उधर देख रहे हो सेम मोमेंट पे इधर कोई आ सकता है। तो एक सेकेंड के लिए मतलब गर्दन हिलती रहती है इसमें। ठीक है एक बार इधर देखा फिर इधर देखा तो बहुत क्विकली देखना पड़ता है, तो गर्दन थोड़ा यहाँ पे संभाल के तो इनमें देखते रहना लगातार। तो अभी मैं आप रिवर्स गियर लगाओ, अभी तो आज तक लगाया नहीं होगा ना बीच में। चलो आप लगाओ। क्लच दबा के हमेशा थर्ड, नहीं वापस थर्ड में क्यों लेके गए? तो डायरेक्टली वी कैन गो फॉरवर्ड। हां किसी भी गियर में। अरे क्लच दबाओ रिवर्स लगाओ। शो मी। क्लच दबा रखे ना। न्यूट्रल है। ओके रिवर्स लग गया। कोई भी गियर आप स्किप कर सकते हो, अभी इसे नहीं सिखा रहा बिकॉज इट्स नॉट नीडेड एट दिस मोमेंट। ठीक है आप फर्स्ट के बाद थर्ड जा सकते हो डायरेक्ट, नो नीड टू शिफ्ट इन सेकंड। ओके लाइक लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके कि जैसे थर्ड गियर को हम 30 की स्पीड के बाद डालते हैं, आप फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को 30 की स्पीड के ऊपर लेके गए तो थर्ड में डाल दो सीधा। वी कैन स्किप द गियर्स। और रिवर्स का तो ऐसा ही है, कभी भी डाल, कोई भी गियर कभी भी लगा सकते हो। ठीक है अगर वो उसके अकॉर्डिंग एक स्पीड अटेन कर लेते हैं। चलो अब रिवर्स हो गया। थोड़ा सा गाड़ी चला के ये देखिए टायर सीधे हैं कि नहीं। मेरे हिसाब से अभी सीधे नहीं है। ठीक है विद रेस आराम से आराम से। नहीं 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 अभी गियर नहीं लगाया, क्लच दबाना सेकंड। हाँ थोड़ा रिलीज करके देना। काफी बार गाड़ियों में रिवर्स गियर अटक जाते हैं, ढंग से लगते नहीं है। देखा मूव हो रही ना धीरे 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 धीरे। आप एक सेकंड रोको। इतनी देर तक कंटिन्यूस रेस के साथ हम नहीं चला सकते। हल्का सा रिलीज किया फिर वापस दबा लिया, इधर देख लो कुछ है क्या मिरर में। फिर थोड़ा चलाया फिर थोड़ा देख लो। सेम एक्सेलरेशन पे आप पीछे नहीं लेके जा सकते। ठीक है खाली जैसे अभी तो ग्राउंड है। ठीक है चलाओ लेकिन एक बार। हाँ वापस दबाओ। अब देखो इधर कुछ आ रहा है तीनों मिरर में। फिर थोड़ा चलाया, ब्रेक की जरूरत नहीं है। थोड़ा फिर देखो चला के। रुको एक चीज मैं बताता हूँ, रुको स्टॉप। इधर आओ एक बार, न्यूट्रल न्यूट्रल करिए, आ जाओ इधर। अभी रिवर्स गियर भी यही होता है हथेली की तरफ लगा के, जो भी एज वाले दोनों गियर हैं फर्स्ट सेकंड फिफ्थ रिवर्स, ये हथेली लगा कर ही होते हैं। फर्स्ट में जाना तो इधर, रिवर्स और फिफ्थ में जाना तो इधर। ठीक है एक बार तो रिवर्स गियर लगाते हैं हमें पहले मिरर में देखना होता है। फिर जैसे और जो मैं कह रहा था कि थोड़ा चलाया हाँ, और ब्रेक का यूज मतलब अगर नहीं है तो रह रहे। देखो ऐसे देख रहा हूँ, थोड़ा चलाया खाली क्लच दबा लो। चल रही है ना मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं है। फिर थोड़ा चलाया फिर देख लिया कुछ नहीं है, रेस नहीं दे रहा हूँ इस मोमेंट पे। ठीक है फिर थोड़ा रेस दिया, फिर मैंने रेस छोड़ दी और फिर मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं है। फिर थोड़ा चला, ये तरीका होता है रिवर्स का, क्योंकि आप सेम इतने चला रहे हो और कुछ आ गया तो रोक नहीं पाओगे इतनी जल्दी। ये तरीका है। ठीक है ठीक है आगे समझ। हाँ आ जाओ। उसमें मैं ध्यान नहीं रहा, मुझे बेल्ट का बताना। अच्छा रिवर्स के टाइम सबसे ज्यादा जो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है वो होती है स्टीयरिंग की वजह से। ओके
घबराहट में हम स्टेयरिंग ज्यादा घुमा देते हैं, तो स्टेयरिंग को जितना कंट्रोल्ड वे में रखते हैं, कंट्रोल रहता है हाथ में, मतलब अगर घुमाना है तो थोड़ा थोड़ा, जितना अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो ज्यादा, अदरवाइज थोड़ा, तो जितना ज्यादा इसको कंट्रोल में रखेंगे गाड़ी उतनी सीधी चलती है, ठीक है? तो स्टेयरिंग को थोड़ा थोड़ा घुमाना है, अगर स्ट्रेट चलानी है तो चलाओ आप, झटका नहीं, पहले थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा नहीं मारना है, ओके दिस इज न्यूट्रल, हां नहीं फोर्थ में है, हां बिल्कुल ये लगा नहीं है, थोड़ा हल्का सा क्लच रिलीज करना है एक बार, नहीं लगा है, क्लच दबाना, हाँ थोड़ा जोर से छोड़ो, एक बार क्लच दबाया पूरा, थोड़ा जोर से मारना होता है रिवर्स गियर को, ठीक है? हाँ इसको थोड़ा सा जोर से, ठीक है चलाओ, मिरर में देखो एक बार सबसे पहले, गाड़ी चलाने से पहले, फिर एक्सेलेटर छोड़ दो और क्लच दबा लो, खाली छोड़ो एक्सेलेटर, देख लिया कुछ नहीं है, हाँ। चलो फिर से वापस रेस दो, हाँ चलो बढ़िया, थोड़ा सा रेस, हाँ वापस क्लच दबा लो रेस छोड़ के, कुछ इधर भी देखना है लेफ्ट वाले में भी, ठीक है? कुछ नहीं आ रहा है, चलो वापस रेस दो, गुड, हाँ क्लच दबा लो वापस, ठीक है? ग्राउंड में रिवर्स की ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए नहीं होती है क्योंकि नथिंग इज अराउंड द कार, रोड पे होते हैं, मार्किंग होती है, साइन होते हैं, उनकी वजह से गाड़ी सीधी रिवर्स हो जाती है, लेकिन जब रोड पे चढ़ेंगे ना, रिवर्स का एक दूसरा भी दिन होगा शायद प्लान में, तब मैं ज्यादा बताऊंगा, ठीक है? आप एक हाथ गियर पे रखिए यार, आराम से आराम से, इससे हैंड मेमोरी इंप्रूव होती है, जैसे फुट जो आपकी फीट मेमोरी है वो समझ जाती है कब कौन सा क्लच छोड़ना है, कब रेस पैडल छोड़ना है, वैसे ही हाथ गियर पे अगर हमेशा रहता है तो हाथ को आदत रहती है कौन सा गियर डालना है, फर्स्ट के साथ पिक करना एक बार फर्स्ट में, बढ़िया, कोई नहीं कोई नहीं, यू डोंट हैव टू जिंक्स इट, बोलते ही नहीं चलती है, चलो मैं नहीं बोलता, गुड, मम्मी बोलते हैं नजर लग जाती है, इट वर्क्स, हां यू डोंट से दैट, लेकिन मैंने तो पॉजिटिव बोला था यार, हां वो नजर लग जाती है ना, पॉजिटिव बोलो तो भी, हां अरे यू जिंक्स इट, धीरे यार फर्स्ट गियर में इतना देनी 20 क्रॉस कर रही है, या तो इसे सेकंड में शिफ्ट करो, देखो नेक्स्ट गियर में शिफ्ट करने का यही रूल है, अगर कर रहे हो तो स्पीड थोड़ा सा ज्यादा देखे, जैसे 20 पे मैंने बोला सेकंड में शिफ्ट करो, लेकिन जब तक आपने शिफ्ट किया स्पीड डाउन हो गई थी, ड्रॉप हो गई थी, ओके तो वो सही नहीं है, उसको वापस उसी स्पीड पे लेके चलो, फिर अगला गियर शिफ्ट करो, क्या मजा आ रहा है क्या नहीं इतना ज्यादा स्पीड, आराम से भाई, जैसे टर्न अगर ले रहे हो ना कर्व, उस पे एक्सेलेरेटर छोड़ दिया करो, यहाँ पे क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी रैपिडली ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, तो गाड़ी का जो पूरा मतलब बैलेंस होता है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, और इस गाड़ी का शेप ऐसा है कि ये पलट जाती है, ओके ठीक है, इस वजह से ये होता है, तो अगर कर्व आप ले भी रहे हो कभी भी हाईवे पे किसी भी जगह अगर शार्प कर्व है एक्सेलेरेटर छोड़ दो वहां पे, तो गाड़ी स्टेबल करने की कोशिश करती है, ऑन इट्स ओन, वेट वेट एंड नो, हां चलो फर्स्ट, मैं तो बोला ही नहीं इस बार इट नीड्स प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स इट नीड्स, ये जो पोल है इसके अराउंड रिवर्स चला पाओगे लगातार, चलो फिर ट्राई करते हैं, ठीक है थोड़ा सा रिवर्स रोटेट करो स्टीयरिंग, आपको कैसे पता गाड़ी किधर रिवर्स से लेके जानी है तो स्टीयरिंग किधर घुमाना है, मतलब आई हैव टू सी द डायरेक्शंस ऑफ द टायर्स बेसिकली, रिवर्स का क्या रहता है, फ्रंट का तो पता है राइट जाना है राइट घुमा दिया, रिवर्स के टाइम पे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि किस तरफ जा रही है गाड़ी, तो इसका एक तरीका यही है कि गाड़ी का जो रियर साइड है पीछे वाला हिस्सा जिस तरफ लेके जाना है उसी तरफ स्टीयरिंग घुमा दो, अब आप चाह रहे हो कि आपका जो राइट पीछे वाला जो है साइड गाड़ी का ऐसे घूमे राइट तो स्टीयरिंग राइट, ठीक है मैं आपको बाहर से एक चीज बताता हूँ, इसका विंडो नीचे कर लेना, अब ये आपको मतलब ये आपको ऑब्वियसली पता है कि इससे इधर गाड़ी का टायर नहीं जाना चाहिए अदरवाइज वो टच करेगा, ठीक है आपका पीछे वाला व्हील इधर है, अब आपको ये गैप मेंटेन करना है, ओके
तो आप कैसे चलाओगे, ये गैप हमेशा मेंटेन। अब आपकी नज़र इस वाले व्हील पे होनी चाहिए हमेशा, जब भी जिस भी साइड आप रिवर्स करते हो, ठीक है, और इसी पैटर्न में पीछे चलनी चाहिए। ये जो गैप है, जैसे आप गोला बनाएंगे इसके अराउंड, तो वो मेंटेन्ड होना चाहिए। कुछ आया समझ? चलो मैं गाड़ी में बताता हूँ। चलो ये इसी वेंटर थी, ठीक है, ये कैसे बताऊँ, ये है राउंड, ये वो पोल है, उसके आसपास जगह है, आपकी गाड़ी इधर खड़ी है, तो आपको ये गैप मेंटेन करके चलना है। मतलब आप नज़दीक नहीं जा सकते उसके ज़्यादा, ठीक है। बाकी जो मैं सिखाता जाऊँगा तब आपको आएगा। चलो अभी अभी आपको क्या करना है, एक तो स्टेयरिंग व्हील घुमाना है राइट, ठीक है, चलो घुमाओ राइट दिस वन। और कभी भी स्टेयरिंग का देखो कोई रूल नहीं है कि इतना घुमाना है तो गाड़ी इतना जाएगी, या हमें यहाँ पे कितना घुमाना है, हम एल टर्न ले रहे हैं तो यहाँ पे इतना घुमाना है, रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आपको लगता है कि हाँ इतना स्टेयरिंग में सही जा रही है गाड़ी जितना मैं सोच रहा हूँ तो चलने दो, कम ज्यादा हो रहा है तो स्टेयरिंग कम ज्यादा कर दो, कोई रूल नहीं है कि इतना घूमेगा। आपको लग रहा है ज्यादा नजदीक जा रही है पोल के, थोड़ा रोटेशन वापस कर दो, दैट्स इट, ठीक है। अभी आप यहाँ पे धीरे धीरे रिवर्स करेंगे, चलिए रिवर्स में लगाइए। और अभी आपको राइट में ज्यादा चलानी है ना गाड़ी, हाँ। तो आप लेफ्ट में यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, कभी कभार बीच में देख लो, अदरवाइज आपको राइट का जो है मेन रूल है। धीरे 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 धीरे, देखा गाड़ी कितनी बाहर गई ना, क्योंकि आपने रेस ज्यादा दे रखी है। अभी थोड़ा कम करो, देखो देखो पीछे वाला टायर कितना नजदीक गया उसके, स्टॉप, देखा। इसलिए कहता हूँ कि एक तो रिवर्स धीरे, प्लस जो पीछे वाला व्हील है वो गैप है वो हमें देखना पड़ता है, मिरर को अपने हिसाब से सेट कर लिया करो, ठीक है, सेट है वो राइट वाला भी, राइट में सही है, व्हील दिख रहा है आपको उसमें? अच्छा एक बार ये वाला मिरर सेट करके दिखाना मुझे, ये बीच वाला मिरर को हम बीच में ऐसे उंगली नहीं रखते क्योंकि इससे थंब प्रिंट आते हैं, और ये वाला साफ मतलब बहुत क्लीन रहता है, तो जब भी एज से पकड़ना होता है कोई भी मिरर अगर सेट करते हैं, ठीक है, साइड वाला हो चाहे बीच वाला। चलिए करके दिखाऊं यहाँ पे रिवर्स, हाँ आ जाओ। देखो अब जो चीज़ मैंने बताई थी, एक तो मिरर में देखते रहना है, दूसरा रेस थोड़ा सा दिया छोड़ दिया, और यहाँ पे काफ़ी बार, अच्छा रिवर्स का एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप विदाउट एक्सीलेटर चला सकते हो क्योंकि ज़्यादा स्पीड लेके नहीं जानी है, ठीक है, तो खाली क्लच पे हम चला लेते हैं गाड़ी, हाफ क्लच इसको बोलते हैं, ये देखो थोड़ा सा क्लच रिलीज किया, चली, क्लच को वापस दबा के इधर उधर देख लिया, फिर थोड़ा क्लच रिलीज करी, थोड़ा सा चली गाड़ी। सो रेस पेडल्स बेसिकली यूज्ड टू बूस्ट अप द कार, एग्जैक्टली, मतलब उसके बाद क्लच, हाँ थोड़ा परफॉर्मेंस उस जैसे गाड़ी की बूस्ट कर देता है। हाँ लेकिन अगर रिवर्स में भी स्लोप है तो वी नीड द रेस पेडल, ठीक है, अदरवाइज रिवर्स के टाइम पे या ट्रैफिक में हम हाफ क्लच में चलाते हैं विद ओनली क्लच। कई बार देखो हमें खाली यहाँ पे क्लच छोड़ा तो थोड़ा सा जोर पड़ रहा है गाड़ी, क्योंकि हल्का सा स्लोप है, ये देखो मुझे लग रहा है हाँ मेरी गाड़ी सही घूम रही है, तो मैं उसकी उस रोटेशन को वहीं के वहीं रखूंगा, मैं नहीं घुमा रहा हूँ, मुझे लग रहा है। चलो मैं करके दिखाता हूँ, मुझे वैसे लग रहा है यार ये गाड़ी तो बहुत नजदीक चली गई उसके, तो वापस, ओके, ठीक है वापस, तो अब लग रहा है हाँ सही हो गया, वापस घुमा दो। रिवर्स करना बहुत टेढ़ा काम है वैसे, बीच बीच में इधर उधर देख सकते हो, लग रहा है हाँ सही है रोटेशन तो चलने का। चलो मैं नहीं बता रहा हूँ क्या दिक्कत है, तीन बार बंद होने के बाद बताऊंगा। गियर सही नहीं लगा है, नहीं सही है, फर्स्ट है देखो, दो बार, एक बार और, चलो अब एक बार और होगी, टेल मी, हैंड ब्रेक लगाए। देखो पीछे से भी आवाज आई ना, जैसे रिलीज किया तो पीछे से आवाज आ रही थी,
एक काम करो, देखो मैं हाँ, नहीं एक रुको एक तरीका और बताते हैं उसको पता करने का, हमें भी ध्यान नहीं रहता काफी बार। चलो एडवांस्ड गाड़ियां हैं, टच स्क्रीन लगा है, उसमें आता है कि हैंड ब्रेक इंगेज्ड या हैंड ब्रेक को डिसएंगेज करो, मीटर में आ जाता है, हैंड ब्रेक एक बार लगाए, अब आप यहाँ पे एक बार रिलीज करके देखो, आपको ऐसे लगा गाड़ी पीछे से दब रही है और आगे से उठने की कोशिश कर, एक बार करना वापस कर, फील करो उसे, खींच रहे ना इस मोमेंट पे, यहाँ पे हैंड ब्रेक हमें भी नहीं पता होता, एक आध बार हो जाता है जल्दी जल्दी में। चलो बार एग्जाम्पल था तो मेरे साथ कोई दूसरी गाड़ी थी, घर के ही थे, कोई रिलेटिव थे दूर के, तो एक गली में गलत फंस गए, हमने गलत कट ले लिया, गली में आगे चले गए, तो मुझे तो दिख गया गाड़ी आगे बंद है, रास्ता नहीं जा रहा है, तो मैं तो वहाँ एज इट इज गाड़ी पीछे रिवर्स लिया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ वो गाड़ी नहीं आ रही है पीछे वापस, मुझसे आगे थी वो, तो मैं देख रहा हूँ वही चक्कर काट रहे, तो 8 से 10 उन्होंने कट लिए वहीं पे, आगे किया फिर पीछे किया फिर आगे फिर पीछे, तब वो गाड़ी बाहर आई, तो वहाँ पे लोग स्किप करते क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है रिवर्स की, तो रिवर्स करना बहुत जरूरी है, हर जगह टर्न लेने की जगह नहीं होती। लगाओ सेकंड हाथ स्टेयरिंग पे, नहीं हाँ चलो रेस दो हल्का सा रेस, चलो अब एक हाथ से करना है कोई, आराम से रेस छोड़ो इतना शार्प, देखो जैसे मैंने बताया था अगर टर्न ले रहे हो तो फिर एक्सीलेटर छोड़ दो। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आज ज्यादा कुछ नहीं था क्योंकि रिवर्स प्रीवियस डे में जो किया उसकी प्रैक्टिस थी, थोड़ा बहुत रिवर्स का था, अगला दिन होगा स्लोप का, उसमें बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है, इनफैक्ट जो काफी दिन से ड्राइव कर रहे हैं उनको भी दिक्कत होती है, स्लोप पे गाड़ी पीछे चलने लगती है, तो वो विद हैंड ब्रेक विदाउट हैंड ब्रेक दो तरीके होते हैं, उन दोनों की प्रैक्टिस करूंगा, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, दोनों प्लेलिस्ट है मैनुअल कार की भी ऑटोमेटिक कार की भी, उन दोनों को देख लेना एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये आवाज इतनी सारी हर चीज को रोन देते चली जा रही है नीचे, जो कुछ आ रहा बचा ही नहीं रही है उनसे क्यों बचा, मतलब दोस आर डिस्ट्रक्टिबल, ठीक है हमें पता है डिस्ट्रक्टिबल है कि मैंने मोड पे तो रेस नहीं दी ना, हाँ आप नहीं ठीक है वैसे तो बंदा पड़ा हो तो चलो मना पड़ा जाने दो, काफी बार क्या होता है चीज हमें पता कुछ होती है और नजदीक जाके देखता तो होती कुछ हो रहा है, एक बार मैं दोस्त बाइक चला रहे थे, हम तीन लोग बैठे थे ट्रिपलिंग कर रहे थे, ठीक है तो मैं चला नहीं रहा था, वो चला था, तो मैंने कहा ना मुझे दूर से कुछ दिखाई दे, मुझे ना कोई न्यूज़पेपर पेपर पड़ा, मैं बोला चढ़ा दे इसको ऊपर चढ़ा दे, जैसे नजदीक गई था बड़ा पत्थर था वो, कह रहा है तो कह रहा शुक्र है मैंने चढ़ाई नहीं गाड़ी, तो इस कहने का क्या मतलब, दूर से हमें ऐसा लगता है कोई नहीं ऐसी चीज चढ़ दे, नजदीक जाके देखता चीजें कुछ और मिलती है, वो पत्थर होता है पेपर सोच के चलता मिलता कुछ और है, तो इन चीजों से बचाओ थोड़ा बहुत गाड़ी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।